सारी की सारी। सतपुते साहब, क्या ट्रेड कैरी करना है सर? आशीष जी देखिए, मैं इंडसइंड बैंक को लेके जाऊंगा। एट प्रेजेंट इट इज एट 1468। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से इसका बीटीएसटी का टारगेट होना चाहिए 1500-1520 का। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम प्लेस करेंगे वो रहेगा 1450 का। ओके, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? मानस आपका ट्रेड जी अग्रे जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज को आज रीगेन कर लिया। तो बिल्कुल कंटेनर कॉर्पोरेशन के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 713 के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 706 के रहेंगे और टारगेट 725 के रहेंगे। ओके, श्रीकांत जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ऑटो स्टॉक्स देखें तो टाटा मोटर्स में तो हमने एक अच्छा फॉर्मेशन देखा ही है और वहां पे एक ऑलरेडी एक कन्विक्शन कॉल है। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है मारुति यहाँ पे भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 10,725-730 के करीब ट्रेड कर रहा है। फॉर्मेशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10,950-11,000 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मारुति को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहां पे रख सकते हैं हम अराउंड 10,650 का। अग्रवाल सर, कुछ ले जा रहे हो क्या ओम में आप लोग मंडे के लिए? ट्रेडिंग डेस्क से कुछ ले जा रही होगी? देखिए, खास मंडे की बात नहीं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन की बात की जाए तो ग्लोबल हेल्थ जो कि मेदांता के नाम से हॉस्पिटल चलाती है वहां ध्यान देना चाहिए। नॉर्थन ईस्ट में एक बड़ा प्राइवेट प्लेयर है, रेवेन्यू में, बॉटम लाइन में, सब में अच्छी ग्रोथ देखी गई। पटना के जो नए हॉस्पिटल बने हैं उसमें अच्छी रैंप अप हुई है, नए हॉस्पिटल लखनऊ में भी बने हैं और एवरेज रूम पर ऑक्युपाइड बेड जो है वो 7% के आसपास बढ़त के साथ आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 825 के टारगेट बहुत छोटी अवधि में हो सकते हैं, बड़ी अवधि में, लंबी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, बट 825 के टारगेट छोटी अवधि में हो सकते हैं। रखिए भाई स्टॉक को।